दोस्तों नमस्कार। सुख समृद्धि के इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वह घंटी भी बजा दें ताकि हर नए वीडियो की सूचना आप तक तुरंत पहुंच सके। ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील और क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध एक ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा और खुद भी जल जाएगा। सभा में सभी शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहाँ स्वभाव से ही बहुत गुस्से वाला एक व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर तक ये सारी बातें सुनता रहा, फिर अचानक आग बबूला होकर बोला, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना ही तुम्हारा काम है, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कई कटु वचनों को सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। उसकी बातों से ना तो वह दुखी हुए और ना ही कोई प्रतिक्रिया की। यह देखकर वह व्यक्ति और भी ज़्यादा क्रोधित हो गया। उसने भगवान बुद्ध के मुंह पर थूक दिया और वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हुआ, तब उसे अपने बुरे व्यवहार का पछतावा हुआ और वह आग में जलने लगा और वह भगवान बुद्ध को ढूंढते हुए उसी स्थान पर फिर से पहुँच गया। लेकिन भगवान बुद्ध वहाँ नहीं थे, वे अपने शिष्यों के साथ में दूसरे गांव निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते वह उस स्थान पर पहुँच गया जहाँ भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। बुद्ध ने पूछा, तुम कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ है, क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आप भूल गए, मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं मेरे बुरे व्यवहार की क्षमा याचना करने आया हूँ। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया और तुम निर्मल हो गए। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें, बुरी घटनाओं को याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों को पकड़कर क्रोध को त्याग देने का संकल्प लिया और दूसरों को क्षमा करने का भी संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके दिमाग पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा की धारा बहने लगी। तो दोस्तों, यदि आप भी ये बातें ध्यान रखेंगे तो आप भविष्य में बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पहले मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की कि आखिर इस तरह के गड्ढे क्यों खुदे हुए हैं। बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने सारे गड्ढे खोद दिए हैं। यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही जगह पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, लेकिन वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और फिर पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हम सफल होने के लिए बहुत सारी योजनाओं पर थोड़े थोड़े समय काम करते हैं, लेकिन सफलता न मिलने पर दूसरे काम में लग जाते हैं। इस प्रकार हम सफल नहीं हो पाते हैं। जबकि यदि हम किसी एक काम में पूरे धैर्य के साथ मेहनत करें तो सफलता अवश्य मिल सकती है। अब जानिए भगवान बुद्ध से जुड़ा दूसरा प्रसंग। एक बार भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तप कर रहे थे। उन्होंने अपने शरीर को काफ़ी कष्ट दिया, घने जंगलों में कड़ी साधना की, लेकिन आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। कुछ समय बाद निराश होकर बुद्ध सोचने लगे, मैंने अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं किया है, अब आगे क्या कर पाऊंगा। निराशा और अविश्वास के इन भावों के साथ वे बहुत चिंता में डूब गए। कुछ ही पलों के बाद उन्हें प्यास लगी। वे थोड़ी दूर स्थित एक झील पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक दृश्य देखा, एक नन्ही सी गिलहरी के दो बच्चे झील में डूब रहे थे। पहले तो वह गिलहरी जड़वत बैठी रही, फिर कुछ देर बाद उठकर झील के पास गई और अपना सारा शरीर झील के पानी में भिगोया और फिर बाहर आकर पानी झाड़ने लगी।
ऐसा वह बार बार करने लगी। बुद्ध सोचने लगे, इस गिलहरी का प्रयास कितना मूर्खतापूर्ण है, क्या कभी यह झील को सुखा सकेगी। लेकिन गिलहरी का यह प्रयास लगातार जारी रहा। भगवान बुद्ध को लगा मानो गिलहरी यह संदेश दे रही हो कि यह झील कभी खाली होगी या नहीं, यह मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगी। अंततः उस छोटी सी गिलहरी ने भगवान बुद्ध को अपने लक्ष्य मार्ग से विचलित होने से बचा लिया। वे सोचने लगे, जब यह नन्ही गिलहरी अपने लघु सामर्थ्य से झील को सुखा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है, तो मुझमें क्या कमी है, मैं तो इससे हजार गुणा अधिक क्षमता रखता हूँ। यह सोचकर भगवान बुद्ध ने सबसे पहले गिलहरी के बच्चों को डूबने से बचाया और पुनः अपनी साधना में लग गए। और इतिहास गवाह है कि एक दिन बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान का दिव्य आलोक प्राप्त हुआ। इस प्रसंग की शिक्षा यही है कि हमें भी अपने प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, एक न एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाती है। अब जानिए भगवान बुद्ध के कुछ अनमोल विचार। भगवान बुद्ध कहते हैं, हजारों खोखले शब्दों से वह एक शब्द अच्छा है जो हमारे जीवन में शांति लेकर आए। मन की वजह से भी सभी बुरे कार्य उत्पन्न होते हैं। अगर मन को परिवर्तित कर दिया जाए तो क्या हम कोई अनैतिक कार्य कर सकते हैं। बूंद की अहमियत यह है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अतीत पे ध्यान मत दो और ना ही भविष्य के बारे में सोचो, हमेशा अपने मन को वर्तमान पल पर ही केंद्रित रखो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। जिस तरह कोई मोमबत्ती बिना आग के जल नहीं सकती, उसी प्रकार मनुष्य भी बिना आध्यात्मिक ज्ञान के जीवन नहीं जी सकता है। तीन चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं छिप सकती है, सूरज, चांद और सत्य। मोक्ष पाने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी होगी, दूसरों पर निर्भर मत रहिए। तुम्हें अपने क्रोध के लिए नहीं बल्कि क्रोध की वजह से दंड भुगतना होगा। जंगली जानवर की बजाय एक कपटी और दुष्ट मित्र से ज़्यादा डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को ही हानि पहुंचाएगा। शाश्वत सत्य यह है कि घृणा का खात्मा घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से संभव है। वह व्यक्ति जो 50 लोगों से प्रेम करता है, वह उसके 50 संकट हैं। वो जो किसी से भी प्रेम नहीं करता है, उसके पास कोई संकट नहीं है। आप चाहे कितने ही पवित्र शब्द पढ़ लें या बोल लें, जब तक आप इन्हें प्रयोग में नहीं लाएंगे, तब तक ये आपका कुछ भी भला नहीं कर सकते। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूँ कि अभी और क्या किया जाना बाकी है। बिना स्वास्थ्य के जीवन बेकार है, वह सबसे बड़ी पीड़ा की स्थिति और मौत की छवि है। हम जो भी सोचते हैं वही बन जाते हैं। शक करने की आदत सबसे ज़्यादा भयानक होती है। शक लोगों को एक दूसरे से अलग कर देता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता को समाप्त करता है और रिश्तों को तोड़ देता है। यह एक ऐसा कांटा है जो चोटिल करता है, एक ऐसी तलवार है जो वध करती है। तो दोस्तों, ये थे भगवान बुद्ध के कुछ खास प्रसंग और उनके अनमोल विचार। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।